इस्लाम की निगाह में बच्चियों का अपनी फोटोज को कहीं भी भेजना सोशल मीडिया पर बिल्कुल उसकी इजाजत है कोई मुश्किल नहीं है फेसबुक के ऊपर आप जा रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर आप डीपी ल, यूज कर रहे हैं अपना आप किसी भी तरह का कोई इस्तेमाल लेकिन मुश्किल कहां पर है वो भी मैं अर्ज कर दूं मिसाल के तौर के ऊपर आप मार्केट से अगर स्वीट खरीद के लेके घर में आ रहे हैं आप स्वीट को यूज करने के बाद जो आधी आपके पास बची है उसको आप ढाक कर रखेंगे क्यों ढाक कर क्या आपका घर नहीं है नहीं आपको ढाक कर इसलिए रखना है कि यहां पे जम्स मौजूद हैं यहां पर वो चीजें बैक्टीरिया मौजूद है वो आपकी इस मिठाई को खराब कर सकती है तो कमी आपकी मिठाई में नहीं है उस एटमॉस्फेयर में है कि जो उस मिठाई को खराब कर सकती है बिल्कुल बिल्कुल ठीक यही सिचुएशन यहाँ भी है इस्लाम की निगाह में बच्चियों का अपनी फोटोज़ को यूज़ करना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है मुश्किल वहाँ पर आ रही है कि जो ये बैक्टीरिया ये जो जर्म्स कभी कभी खराब कर रहे हैं कि किसी की फ़ोटो को लेकर उसमें एडिट करने के बाद उसको कहीं और यूज़ करें किसी ग़लत जगह पर यूज़ करें उसके सर को कहीं और इस्तेमाल किया जाए उसकी उस कि, कि, किसी और बॉडी को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए और फिर वो सोसाइटी में या मार्केट में पेश कर दी जाए इन मुश्किल से बचने के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो फ़ोटोज़ जो बच्चियों की हो इवन वो फ़ोटोज़ के जो फैमिलीज़ की हैं हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ है लेकिन उस फोटो को भी अगर मार्केट में आ, मार्केट से मेरी मुराद ये है कि मसलन वो अगर सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा है और उसके मिस यूज़ होने का ख़तरा है तो फिर वहाँ पर भी एहतियात की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं अच्छा इस्पेशली कभी कभी होता है कि इंसान किसी एक फंक्शन में है एक आ, हिजाब वाली खातून जिससे इसका कोई रिलेशन नहीं है तीन चार लोगों के दरमियान उसकी फ़ोटो भी है इसने अगर सोशल मीडिया पर डाला और उस खातून की उस फोटो का मिस यूज हुआ तो जिम्मेदार ये बंदा है, है ये इंसान है क्या जिसने है। उस फोटो को गलत जगह के ऊपर करार दिया था लिहाजा इस सिलसिले में एहतियात इसलिए करनी है कि माहौल और हालात में ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि फोटोज को लेकर एडिट किया गया और फिर उनके जरिए से लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है देखें जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उतना ही ज़्यादा उसको संभाल के भी रखा जाता है और उसकी उतनी ही ज़्यादा हिफाज़त भी की जाती सच है अल्लाह ने हम सब को कीमती बनाया है लिहाजा हमें खुद को हम हमारे लिए भी है मर्दों के लिए भी है कि हमको हुक्म दिया गया है कि ऐसी जगहों पे जहाँ के ऊपर तुम पर तहमत लगाए जाएँ वहाँ पर न जाओ हो सकता है कि हम इसलाह करने के लिए जा रहे हों लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो अगर तोहमत लगा रहे हैं हमको मना किया गया है लिहाजा हमको भी एहतियात करनी है और हमारी बच्चियों को भी हमारी छोटी बहनों को भी इस सिलसिले में एहतियात करने की ज़रूरत है कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक आ, साइट के ऊपर जैसा आपने कहा कि वो शादी के लिए जा रहे हों किसी एक साइट के ऊपर जाने के बाद उस फोटो को मिसयूज किया जाए कहीं गलत हाथों में बात पहुंच जाए या फ़ोटो पहुंच जाए या इंफॉर्मेशन पहुंच जाए लिहाजा एहतियात करते हुए आगे बढ़ना इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कामयाबी का बेहतरीन रास्ता सुबह अल्लाह साहब बिल्कुल सही है आपने बहुत खूब फरमाया